हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस ऑफ इलेक्ट क्लासेस बाय आयुषी गर्ग। आज हम क्लास 10th का टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस, जो कि चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम देखें लाइफ प्रोसेसेस, बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे लिविंग बींग्स के अंदर वो सारे प्रोसेसेस जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन सारे प्रोसेसेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये सारे प्रोसेसेस हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं पाए जाते। अगर मैं बात करूँ इस मार्कर के बारे में, तो क्या ये मार्कर खाना खाता है हमारा? नो। बट अगर से एट द सेम ऑन द सेम टाइम अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो आई नीड सम फूड टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। सो द फोर इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस विच एक्चुअली अकर्स, नॉट ओनली फोर प्रोसेसेस, देर आर सो मैनी काइंड ऑफ प्रोसेसेस और द ग्रोथ एक्टिविटीज विच एक्चुअली रेफर्स टू द लिविंग थिंग्स, जिसके बारे में अगर हम देखें उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम उन चार मेन प्रोसेसेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। द फर्स्ट वन इज़ द न्यूट्रीशन, एंड द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, द थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्टेशन, एंड द फोर्थ वन इज द एक्सक्रीशन। सो बेसिकली ये चार प्रोसेस हैं जो आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको आज एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इस वीडियो में। देन मेरी जो आगे अपकमिंग वीडियोस होंगी, उसमें हम इन सभी को डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट प्रोसेस आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर इज द न्यूट्रीशन। अब मैं आपको एक टर्म बताऊंगी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? वो सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही हैं, और उसका क्या एक्चुअली रोल है मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, माने कि ये वो सारी हमारी चीज़ें जो टूट रही हैं और बन रही हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग के अंदर, और जिससे कोई भी एक हमारी लाइफ प्रोसेस अकम्प्लिश होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें तो क्या होता है, बेसिकली उसमें हमारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, और ये सारे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे यूज़ किए जाते हैं किस लिए? ताकि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करें, और वो फूड क्या होता है, दैट इज़ ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज बनाएंगे, और ये ग्लूकोज कुछ टाइम बाद स्टोर होने के बाद हमारा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और वही स्टार्च क्या होता है, हम लोग ऑब्टेन करते हैं एज अ फूड टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। तो अभी जो मेटाबॉलिज्म है, अभी मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हमारी कंबाइन कर रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें कंबाइन कर रही हैं और एक बड़ा कोई बायोमॉलिक्यूल बना रही हैं। तो ये प्रोसेस हमारा, ये भी हमारा एक तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। अब ऑन द अदर हैंड हमारी एक और चीज़ जो कि मेटाबॉलिज्म में आती है, वो है हमारे बड़े मैक्रोमॉलिक्यूल्स का टूटना, और किस में टूटना, सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो ये बेसिकली दोनों प्रोसेस, दैट इज टूटना और बनना, ये दोनों हमारी मेटाबॉलिज्म में आते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मेटाबॉलिज्म हमारे दो एक्टिविटीज से बनता है, वन इज द एनाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। अब आपको याद रखने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको उसको आसानी रहेगी इन दोनों को याद रखने के लिए। एनाबॉलिज्म, एना बनना, दैट इज एना, तो बस बनना के बाद क्या हुआ, एना, एंड कैटा मीन्स कट, तो दैट मीन्स बड़ी चीज़ें कट होंगी। तो उससे आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं दोनों प्रोसेस को, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब ऑपोजिट प्रोसेसेस होते हैं तो हमारे माइंड से जनरली स्केप हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको हमेशा कोई ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आसानी से आप दोनों प्रोसेस को याद रख पाओ।
दोस्तों एना हमारा बनना में आया, तो यहां पे क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे बड़े मॉलिक्यूल्स, दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जो कि हमारे किस में बन रहे थे, फोटोसिंथेसिस में। तो आप इसका एग्जाम्पल हमारा लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया कैटाबॉलिज्म, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें वो जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारे फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि यहाँ जो फूड हमने ऑब्टेन किया प्लांट से वो हमने खाया, और रेस्पिरेशन में वही फूड हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन के वक्त टूटता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और वही सिंपलर मॉलिक्यूल्स हमारी एनर्जी ऑब्टेन करती हैं, क्योंकि वो टूट जाती हैं छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, और उसके बाद उससे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, और इसी तरीके से एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सो बेसिकली आज अगर हम बात करें न्यूट्रिशन में, तो यहाँ पे हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म समझाने का मेरा मतलब यही था, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी टर्म है जो कि आपके सारे लाइफ प्रोसेसेस में आपको समझने के काम आएगी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ें होती हैं, ये वो न्यूट्रिएंट्स चीज़ें होती हैं जो कि हम डिफरेंट फूड से अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हम एक्वायर करते हैं हमारे वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं फूड क्या होता है, तो मेरी एक बॉडी जो अभी हमारी बॉडी है वो एक तरीके से आप उसको मशीन मान लीजिए। अब मशीन को चलने के लिए क्या ज़रूरत होती है, फ्यूल की, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर कोई भी कोल हो, ये सारे हमारे फ्यूल्स में आते हैं। अब जब हम किसी भी मशीन में या व्हीकल में जब हम कोई फ्यूल डालेंगे तभी वो मशीन रन करेगी, तभी वो व्हीकल चलेगा। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग बींग की जो बॉडी होती है, जब तक हम उसमें फ्यूल नहीं पुट करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, तो ह्यूमन बींग्स के लिए उनका फ्यूल क्या होता है, इट इज द फूड। सो फूड इज बेसिकली द फ्यूल। मैं फूड को क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे फ्यूल बोल रही हूँ। और जब हम फूड खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी चलेगी, और चलेगी दैट मीन्स उससे हम एनर्जी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और काम हमारा यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स वो एक तरीके से मेटाबॉलिज्म है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे सर्वाइवल का पता चल रहा है, मींस हमारी ग्रोथ हो रही है, हम कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं, और यही सारी चीज़ें तो हमें बताती हैं कि दैट मीन्स वी आर लिविंग एंड वी आर शोइंग सम लाइफ एक्टिविटी। तो अब यही सारी चीज़ें न्यूट्रिशन में आती हैं, दैट मीन्स वी आर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ processes. So that whole process comes under the nutrition. So now we are going to discuss about the respiration. अब respiration में आपको एक बात clear करना चाहूँगी, lower classes में क्या होता है, बच्चे respiration को क्या समझते हैं, that is they are acquiring oxygen from their environment and they are releasing out the carbon dioxide, which is actually not the respiration. Respiration हमारा होता है वो process, the food which we have acquired in the process of the nutrition breaks down into the simpler molecules and then it releases the energy and that energy is being used by the living beings to perform various life activities. तो वो हमारा respiration कहलाता है. But now we can say breathing is a part of the respiration. क्योंकि breathing में हम क्या करते हैं, हम वाकई में oxygen को हम ले रहे हैं अपने environment से, और जो हमारी carbon dioxide produce हो रही है हमारी body में, उसको हम क्या कर रहे हैं, expel कर रहे हैं अपनी body से. So basically that is the respiration, or breathing is a part of respiration. Respiration ko hum cellular respiration bhi bol sakte hain. We can also call it as the cellular respiration. Now ab hum
नेक्स्ट अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो जो भी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हमारी बॉडी में चीज़ें, अब हमने फूड खाया, उस फूड को क्या हमने सिर्फ स्टमक तक रखना है? उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ऑप्टेन हुए, जो भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में ऑप्टेन किए और जो भी रिलीज हुई चीज़ें, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज़ नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली अगर हम एक जनरल बात करें तो उसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या तो हमारी ट्रेन हो गई, बस हो गई, कोई भी व्हीकल हो गया, तो वो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। सेम हियर, अगर हम ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट्स बॉडी के बारे में अगर बात करें, यहाँ भी जो मेन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है वो है हमारा ब्लड। तो ब्लड हमारा कैसे काम आता है ट्रांसपोर्टेशन के, क्योंकि जो भी खाना हमने खाया उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने डिराइव किए हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाके मिलते हैं, हमारे ब्लड में। और वही ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है बाय द हार्ट, क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप आउट करना। और क्योंकि वो ब्लड पंप आउट हो रहा है और बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स उसी में हमारे डिसॉल्व्ड हैं, और वही हमारे, क्योंकि ब्रेन के सेल्स को अगर हम देखें तो उसको भी ज़रूरत है एनर्जी की, प्लस हमारे अगर टोस से लेके पूरे अगर हमारे ब्रेन के सेल्स तक भी अगर हम देखें तो वहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो रिक्वायरमेंट जो हमारी एटीपी, हमारी जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, वो किस में डिसॉल्व्ड है, ब्लड में। और वही हमारा काम किस चीज़ का कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। सो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोसेस आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज द एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो भी वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं, जो भी ऐसे अनवांटेड माने कि जो जिनको हम नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो टूटने बनने के वक्त हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और जिनको हमें अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करना है क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ टाइम बाद अगर वो बहुत ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो उनसे हमें कुछ हार्म हो सकता है। तो क्योंकि अब उनको हमें अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करना है, एक्सक्रीट करना है, रिमूव करना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट। सो बेसिकली एक्सक्रीशन वही हमारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट हमारा रिमूव होता है। अब प्लांट्स और जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो आगे हमें जब भी अपनी वीडियोस में डिस्क्राइब करूँगी हर एक प्रोसेस को तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैंने एक जनरल सिर्फ प्रोसेस के आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि ये हमारे सारे प्रोसेसेस होते क्या हैं, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं और लिविंग बींग्स के अंदर होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो, मेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड।